पानीपत शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को जहां रेलवे रोड का डोर टू डोर प्रचार किया, वहीं बुल्ले शाह द्वारा सेक्टर 25 सोम गार्डन में कांग्रेस समर्थित पार्षद सहित उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक नई रणनीति को रूपरेखा देंगे। इस रूपरेखा का संजय अग्रवाल को किस तरह से पानीपत शहर में मजबूत किया जाए, सोम गार्डन की है रणनीति कितना शहर के क्षेत्र में इफेक्ट करती है, यह तो मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल इस मीटिंग पर भाजपा की कड़ी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से शाह परिवार ने भी पानीपत शहर पर अपना कब्जा बनाए रखा, जिसके चलते पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद भी इस मीटिंग पर भी प्रमुखता से नजर बनाए रखेंगे। पिछले 2-3 दिनों से संजय अग्रवाल का कॉलोनियों में मोटरसाइकिल के जत्थे के साथ युवाओं ने स्वागत किया। जब उनके कार्यालय में बैठे हुए उद्योग जगत व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। हम सभी को ये कह रहे हैं कि आपने बीजेपी का 5 साल का राज देखा, जिसमें बीजेपी ने जो वादे जनता से किए थे उन्होंने कोई भी उस वादे में पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए जनता में आक्रोश है, एक उनमें पूरा इतना आक्रोश है कि वो चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो। और खासकर पानीपत विधानसभा शहरी की अगर बात करें तो पानीपत में अब की बार जो हमने भी नारा दिया है, पानीपत मांगे बदलाव, उस बदलाव के तहत मैं समझता हूँ कि लोगों का जन समूह अपार समर्थन मिल रहा है। और संजय अग्रवाल जी का जैसा एक बिल्कुल नया चेहरा, युवा, समाजसेवी, स्वच्छ छवि का, तो उसके नाते सभी परिस्थिति ऐसी लोगों के मन में जागी है कि अब की बार पानीपत में नए उम्मीदवार को हमें पूरा माहौल है। और हर जितने भी वोटर हैं पानीपत के, जितने भी व्यापारी हैं, सब ने अपना मन बना लिया है कि अब की बार जो है ना, हमने बीजेपी को वोट नहीं देनी है, हमने कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है। अब बदलाव चाहती हैं, भाई संजय अग्रवाल की तरफ हम जा रही हैं, बीच में जा रहे हैं, प्रचार चल रहे जी। युवा सारे मेरे साथी मेरे साथ हैं, सारे जगह पे अपने ही मेरे दोस्त खड़े साथ में। युवा तंग है जी, सारे तंग है, बिजनेस जैसे सारे कह रहे थे, बड़े कह रहे हमारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, जाम की प्रॉब्लम है, देख लो कूड़ा कचरा, इतनी दिक्कत है जी। इस चुनावी रण की बढ़ती दिलचस्पी में जनता बैठकर 24 तारीख को इस चुनावी दंगल में कौन पहलवान किस पर भारी पड़ा, यह स्पष्ट हो जाने वाला है। बहरहाल जन समर्थन में जनता का रुख सकारात्मक तौर पर ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।